गुरु प्यारी साध संगत जी आओ गज गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो आप बहुत ही अणमुलियां विचारा मतलब सरवण कर रहे थे, तो विचार करने लिए आप सारे इकट्ठे हुए हैं, तो विचार करने ही मैं आप जी सामने हूँ वर्तमान की शक्ति बारे अपने विचार सांझे करूँगा, जो कि एक अंग्रेज लेखककार ने खाक टाल उन्हां दी किताब सीगी द पावर ऑफ नाउ। वो अपना समय के हिसाब नाल जिहड़ी उन्होंने अध्यात्मक प्राप्ति की है उहदे बारे दसदे ने, ते उसदे विच्चों चंगीआं गल्लां चुण के मैं आप जी सामने प्रोजैक्टर हो ना होण करके मैं पीपीटी के थ्रू आप जी नूं विचार सरवण करवाऊंगा जी। सो कहिंदे वर्तमान की शक्ति हुंदी की है, वर्तमान है की है, वर्तमान जिहड़ा चल रहा समय सब तो वड्डी ताकत उस ची है। जेकर असी विचार करके देखिए अपना समा अपना मन जिहड़ा हुंदा है वह ज्यादा पिछले समय च हुंदा है जां आउण वाले समय की प्लैनिंग कर रहा हुंदा है। हुण भी तुसीं देख सकते हो कि सानूं नींद क्यों आउंदी है जदों आपां समय दे विच नहीं हुंदे, मन अटेंटिव नहीं हुंदा, जागरूक नहीं हुंदा, तां साडा मन पुरानियां गल्लां सुन के आप ही चुप करके एक आनंदमई नींद विच सो जांदा है। तो एवें जदों असी पाठ करते हाँ जिहड़े सिंह कदे मतलब रोज़ नहीं करते होणगे जां जिवें भी कई वारी अपने मोहने सिंह हुंदे ने, आपां कई वारी अपने आनंदमई रूप च पाठ कर रहे हुंदे सिंह, तां मेरे नाल कई वारी एवें होया कि दूजा जिहड़ा जिन्हें नहीं किया हुंदा उह आराम नाल इन्नी वधिया नींद सुत्ता हुंदा कि जिहड़ी उहने कदे नींद ही नहीं माणी हुंदी। सो अपना जिहड़ा मन रुचि नहीं दिखाउंदा जिथे उत्थे साडे मन विच पुरातन विचार जां आउण वाले विचार चल रहे हुंदे ने। सो उह कहिंदे ने कि असलीयत दे अनुभव तो असलीयत के अनुभव में सब तो वड्डी रुकावट कैड़ी है, कहिंदे मन में चलदियां सोचा का शोर सानू अंदरूनी स्थिर शांति के संसार नालों दूर रखता है। बिल्कुल ठीक है जी, आप देखिए कि साडे मन के जिहड़ा शोर चल रहा है कदे भी सानू स्थिर नहीं रहन दिंदा, कदे भी सानू मजबूती नहीं रहन दिंदा, तो मन की ही सारी खेड है। वो अगे कहिंदे ने कि एक झूठी मनघड़त तस्वीर पैदा कर दिंदा है, तो जो डर ते दुखां दा परछावां बन के साडे अगे आ जांदियां हन। असीं अजकल डिप्रैशन तो स्ट्रैस तो किन्ना आपां विचरदे हां, खास करके जदों बाहर जांदे ने लोग किन्ना विचरदे ने, क्योंकि उहनां दे मन दे विच फ्यूचर बारे बहुत परस्पैक्टिव जुड़ जांदे ने। वह बहुत सोचते हैं कि असीं एवें करना है, एवें करना सी, साडे कोल एवें हुंदा तां पिछे असीं आ गलती कर दित्ती, फिर हुण की होएगा। ये जिहड़ियां चीज़ां ने पुरानियां ते आउण वालियां मनघड़त तस्वीरां साडे मन दे विच पेश हो रहियां ने, ये सानू वर्तमान की शक्ति तो बहुत ही दूर खिंच के लै जांदियां ने। हालांकि गुरसिख के जीवन में जिहड़ी वर्तमान की शक्ति है उही स्थिर रूप में काम करती है। वह किवें काम करती है कि जो असी एक चित हो के जिवें गुरबाणी के हिसाब नाल जे आप देखिए तो एक चित हो के जो आप एकागर चित हो के सावधान हो के मन के नाल सिमरन वाहेगुरु अपना पाठ करते हैं ना, कोई किसी भी तरह की बाणी पढ़ते हैं तो जो एकागर चित हो के पढ़ते हैं सानू आनंद भी वधेरा आता है, तो साडी रुचि भी बहुत बनती है, तो सानू अखरां दे अर्थ भी अनुभव होने लग जाते हैं। तो एडी शक्ति एक मन के एकागर चित होने की है, तो वर्तमान की शक्ति भी यही है। अगे वो कहिंदे ने कि निराली आज़ादी है, ये निराली आज़ादी किवें है, वह कहिंदे ने आत्म ज्ञान केवल दुखां का अंत नहीं है सगों सोचां की गुलामी तो छुटकारा दवाउंदा है। बिल्कुल सही है कि असी गुलाम रहने हैं अपने मन के, सदा ही गुलाम रहने हैं। हालांकि गुरु साहब कहते हैं कि असी गुलामी तोड़नी है, पर किवें तोड़नी है, ये उल्ट जाके तोड़नी है। उल्ट किवें जावांगे जे ये पिंजरे चो निकलांगे, पिंजरा किहड़ा है, सोचां दा, मनघड़त तस्वीरां दा, यही अपना मन दे विच जिहड़ा पिंजरा है ये बन्निया जांदा है, तो साडा जिहड़ी हरकतां ने वह मन दे विच बन्निया जांदियां ने। सो सब तो पहला कदम असी की कर सकते हैं, अपने आप नूं मन तो अलग करना सीखिए, तो आत्म अपने आप नूं मन तो अलग करना सीखना, तो आत्म ज्ञान दे वल यही थोड़ा पहला कदम होवेगा। गुरबाणी विच आपां किन्नी वार समझाउंदे आ, आनंद साहब विच आउंदा ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, है ना। होर भी कई थावें आपां पढ़दे हां कि जिथे गुरु साहिब मन नूं कहिंदे ने कि समझ जा, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। होर भी कई थावें बहुत ही सुचजे ढंग नाल गुरु साहब फिट लान तां भी पाउंदे ने, ते उहनां नूं कहिंदे भी ने तू सुधर जा, प्यार नाल भी समझाउंदे ने। सो अलग करके जानना, एक मित्र करके जानना, एक प्रेम भाव करके जानना, यही सानू अलग कर सकता है, तो उहनूं सही ढंग नाल एक लीह ते तोर सकता है।
उस तो बाद कहते ने अपने आप को यह प्रश्न पूछने की जरूरत पाओ। वह प्रश्न केड़ा है कि इस समय मौजूदा समय मेरे अंदर की चल रहा है। जेकर असी सुचेत रहना ना, कदे भी असी रुझे होइए, कदे भी असी मन दे विच टेंशन लैन लग जाइए, कदे भी साडे मन दे अंदर काफ़ी गुलझन तार भेद पै जाण, तां उह कहिंदे सानू एक प्रश्न पुछना चाहिए अपने आप नूं कि हुण मेरे अंदर की चल रहा है। क्योंकि मन बड़ा चतर चलाक है ना, जदों आपां नूं अटेंटिव करांगे कि हुण की सोच रहा है, वह जदे तुहानूं प्रेजेंट विच ले आऊगा। जदे तुसीं फेर लभना शुरू कर देना कि हुण की चल रहा सी मेरे मन विच, तां तुसीं जदे उत्थे आ जाओगे जिथे तुसीं बैठे हो, जिथे थोड़ी निगाह टिकी हुई है। तुसीं हुण वी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, सीधे बह के जदों आपां हुण सोच रहे सी कितें नींद आ रही है, सीधे हो के एकदम सोचण लग जाओ कि मैं पिछली गल मेरी की सुनी है। तुहानूं पता लग जूगा जेकर सुनी हुई तां थोड़े मन विच जरूर आएगी, अगर नहीं सुनी हुई तां थोड़े मन विच सोचां पै जाणगियां कि होया सी। इसलिए अनुभव करन दा यही तरीका है, ते सोचां विचों, दुखां विचों, गुलझनदार भेदां विचों निकलण दा एक तरीका यह है, सौखा तरीका, कि अपने आप नूं पुछो इस समय मेरे अंदर की चल रहा है। उस तों बाद एकाकता लिखते हैं कि कदे कदे सानूं वर्तमान की जिहड़ी स्थिति है वह कदे कदे एक्सैप्ट करनी बड़ी औखी हो जाती है। कदे कदे असीं एक्सैप्ट नहीं कर पाते कि बड़े दुख आ गए, कि इहनूं किवें स्वीकार करिए। वह कहिंदे ने कि सब तो पहला स्थिति नूं स्वीकार करो। मैनूं इह पढ़ इह जिहड़ियां उन्हां दी लाइनां पढ़ के ना बड़ी खुशी होई सी, क्योंकि हालांकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़िया होगा, पर जिहड़ी उन्हां दी थ्योरी सी इह सारी गुरु ग्रंथ साहिब दे रिलेटिड सी, बाणी दे रिलेटिड सी। वह कहिंदे ने सब तो पहला स्थिति नूं स्वीकार करो, यानी हुक्म मन्नो। गुरबाणी विच कहिंदे ने ना कि हुक्म मन्नो तां तुहानूं दुख ते कोई भी मुश्किलां होणगियां सब हल्कियां ते सुखालियां लगणगियां। फिर वह कहते हैं जो उचित होए वह करो। फिर महाराज की कहते हैं सहज, सहज किवें आएगा? बाणी पढ़न नाल सहज आऊगा, मन नूं एकाग्र चित करके सहज आऊगा। सो पहला हुक्म हो गया, फिर की होया? सहज आ गया। सो उस तो बाद वर्तमान पल विच जो कुछ भी होए उसनू इंज स्वीकार करना जिवें अजिहा होना तुसीं आप ही चुणिया। वो क्यों तुसीं आप किवें चुणिया? तुसीं कहो कि मैं इस स्थिति विच सी, मेरी होंद मौजूद है, तां करके सब कुछ होया। जे मेरी होंद मौजूद है मैं होंद भी नहीं देंगा। तो अपनी जरूरत नूं कायम रखो। तो सिखी सिद्धांत भी यही है कि धरती उत्ते अपने वजूद नूं, अपने शरीर नूं निशानदेह करके इस धरती तो परतना है वापस अपने घर नूं, है ना, कि असीं इस धरती उत्ते एक वक्रा सूरम गति का निशान छड के जाना है। तो अगला प्रिंसीपल यही सिख प्रिंसीपल आ गया। उस तो बाद कहते हैं हमेशा वर्तमान पल के विरुद्ध नहीं सगो उस दे नाल काम करना सीखो। बहुत वड्डी गल है, आप कह दें कि वह मेथों वड्डा है, छोटा है, तो मेरे थले या उत्ते काम करता है, पर नहीं, सगो साडा प्रिंसीपल सिखी सिद्धांत यही है कि सब दे नाल मिल के काम करो। तो एवें ही असी वर्तमान समय के नाल मिल के काम करना है। जेकर वर्तमान समय के नाल मिल के काम करांगे साढ़े जिहड़े गुंझनदार सवाल ने जिंदगी दे सवाल होण, चाहे वह साढ़े आने वाले फ्यूचर के रिलेटिड उलझनदारियां होण, वह सारिया सहजे सॉल्व हो जाएगी जदों असी उहदे नाल मिल के काम करांगे। नाल मिल के किवें काम करांगे? जदों साडी चेतनता होएगी, जदों असी कागरचित हो के वर्तमान दे विच मौजूद हो के अपने काम नूं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। ठीक है जी। उस तो अगे कहिंदे ने उसनू अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ। उही गल है कि उहदे नाल काम करो। कहते अजिहा करन नाल तुहाडे पूरे जीवन नूं चमत्कारी ढंग नाल बदल देवेगा। तो गुरबाणी भी कहती है कि हुक्म, उस तो बाद महाराज की खुशी ते भाणा, ते उस तो बाद सब नाल मिल के सहज तरीके नाल काम करना सीखना चाहिए है। सो ये मैं पंजाबी विच दस दिता। महाराज गुरमुखी लिपि विच आप अपने अध्यात्मक उहदे नाल एक्सपीरियंस नाल दस रहे हैं। तो सानू माण होना चाहिए कि जिहड़ियां खाकटाल अपनी किताब विच इह गल्लां अपने अनुभव नाल लिख रहे हैं, महाराज ने अपना जिहड़ा प्रैक्टिकल सी, रिसर्च सी अध्यात्मक, वह साडे कोले महाराज गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच पेश कीती है। उस तो अगे कहिंदे ने कि एकांत विच शक्ति दा करतव की है। वह अपनी किताब विच लिखते हैं कि एकांत दा बहुत ही शक्तिशाली करतव है। हालांकि गुरसिखी सिद्धांत विच संगत दा करतव भी लिखे है। संगत दा करतव आपां रहिणा साहिब विच पढ़ते हैं ना, मिल सतसंगत मिले सो तरिया, उही तरदे जो जिहनूं सतसंगत मिलदी है। एक संगत, सतसंगत ते साध संगत। ठीक है जी।
सो एकांत विच शक्ति का मत कर्तव्य की होंगे कि अपनिया ज्ञान ये मेरे कुछ तुसी नोट कर सकते हो पॉइंट्स होंगे पांच सात पॉइंट्स मैं तुहानू बोल दिना तो बहुत वधिया पॉइंट्स ने तुसी करके देखे हो प्रैक्टिकल है आप हुण भी करके देखांगे उरे कहिंदे एकांत विच शक्ति का कर्तव्य किवें देखा जा सकता है वह कहिंदे अपने ज्ञान इंद्रिया पूरी तरह वरतो आप जी को बेनती है कि सारे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो सीधे होकर बह जाओ जी सारे चौकड़ी मार के बह जाओ वह कहिंदे ने अपनी ज्ञान इंद्रिया हुण पूरी तरह वरतो ज्ञान इंद्रियां कहिड़ियां ने जी जिहड़ियां सानू महसूस करवाउंदियां ने बाहरले जी सारा जो एनवायरमेंट महसूस करा रही अखा कन हो गए नक् हो गया तो साड़ी आ जी है ना स्किन होगी हुण तुसी फील करो कि तुसी कित्थे बैठे तुहानू हवा लग रही है तुसी मैनू देख रहे हो सारी ज्ञान इंद्रियां एक्टिव कर लो उस तो बाद कहिंदे ने जिथे वो हाजिर रहो आले दुआले देखो सिर्फ देखो विश्लेषण ना करो वो कहिंदे सिर्फ देखो ऐ ना करो कि उहदे किहड़ी पग बन्नी है की है उहदा विश्लेषण की है सारा पर देखो बस देख के अनुभव करना है फील करना है उस चीज़ नूं कहिंदे अपनी ज्ञान इंद्रियों नूं पूरी तरह वरतो ते देखो रोशनी शकलां रंगां बनावटां नूं देखो पर यह जिहड़ी थ्योरी है ना इस समय वाली एकांत विच है तुसीं इत्थे महसूस तां कर सकदे हो जे आपां सिमरन करांगे आपां इस तों बाद प्रैक्टिकल करके सिमरन दे रूप विच देखांगे जदों तुसीं एकांत विच बह के रंगां नूं ढंगा नूं रोशनी नूं बनावटां नूं देखोगे तुसीं बहुत ही सोहणी जगह ते आए होए हो एकांत विच बह के तुसीं प्रैक्टिकल शाम नूं कर सकदे हो कि जदों तुसीं इत्थे बह के सारे आले दुआले नूं महसूस करोगे ते इत्थे कुदरत दे रंगां नूं ढंगा नूं शकलां नूं देखोगे ना तुहानूं आप इक अचरज होएगा कि मैं किस जगह ते बैठा मतलब भी ये होंद की है ये शकल रूप की है ढंग की है मैं किवें होया यानी क्वेश्चन मार्क आई जाऊगा थोड़े मूहरे हर एक चीज़ का क्वेश्चन मार्क आएगा क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा क्योंकि मन फ्री हो जाऊगा तो आन जो चल रहा समय वर्तमान का उस हाज़र होकर वो को कुछ नहीं होंगे ज्ञान नहीं है कुछ है तो वह आले दुआले देख के कुछ लैन की कोशिश करेगा उस तो बाद कहते हैं स्पेस दे जाणू होवो स्पेस की आकाश अपना शरीर पंज तत्तां दा बनया होया ना उहदे विच एक स्पेस है आकाश कहिंदे जिहनूं पंजाबी च तां स्पेस दे जाणू होवो जो हर एक चीज़ नूं जगह दे रही है जेकर आपां देखिए स्पेस हर एक चीज़ नूं जगह दिंदी है ना तां कुदरती तत्तां तों असीं कुछ ज्ञान लैण दी कोशिश करिए कि स्पेस की है उहने दिख नहीं रही पर उहने हर एक चीज़ नूं जगह दित्ती होई है किन्नी अनुभवी चीज़ है आपां नूं कदे टाइम ही नहीं मिलदा वी आपां स्पेस नूं वी देख लईए अनुभव कर लईए रंगां नूं ढंगां नूं अनुभव कर लईए पर असी पदार्थां दे पिछे दुनिया नूं देख सकते हैं ना कि उहदे कोल गड्डी कीड़ी है नाम की है की सिस्टम है सारा फोन कीड़ा वो चीज़ों में रुझ के आपां मन नूं होर गुंजनदार भेद विच बदल दिंदे आ फिर वह कहिंदे ने एकांत विच बह के आवाज़ां नूं सुनो पर उहनां दी आलोचना ना करो आवाज़ां नूं सुनो एकांत वाली आवाज़ां नूं तुसीं इत्थे इह गल्लां तां काम आ रहीयां ने क्योंकि तुसीं इत्थे बहुत ही सोहणी जगह ते आए हो तुसीं कर सकदे हो इह प्रैक्टिकल ते आवाज़ां दे हेठ नूं चुप नूं सुनो आवाज़ां दे हेठ ते चुप नूं सुनना एक बहुत वड्डी प्राप्ति है ते गुण भी है आवाज़ां दे चुप नूं सुनना एक आम बंदे लई तां मैनूं लगदा सुन के उह कहेगा कि आवाज़ां दा कहिड़ा चुप हुंदा पर हालांकि आवाज़ां दा चुप एक अध्यात्मक जिहड़ा प्राप्ति वाला पुरश है बंदगी वाला है वह उहनूं अनुभव कर सकदा कहिंदे किसी चीज़ नूं छोहो ते उसकी होंद नूं महसूस करो ते स्वीकार करो जिहड़ी तुहाडे आले दुआले चीज़ है उहदी होंद नूं स्वीकार करो कहो कि इह साडे लई बणी है ते हरेक चीज़ का सानू अनुभव साडे बेनीफिट लई है उस परमात्मा ने साडे प्रोग्रेस लई है ते साडे अगे वधन लई है ते मन दी शांति लई बणाया है तां जो जेकर असीं मन नूं गुंजनदार भेदां तों भेदां चों कढणा है ते असीं एक उचेरी ते अध्यात्मक मार्ग वल जाणा है अगे कहिंदे ने अपने साहां दी ताल नूं देखो हवा दे अंदर बाहर होण नूं अनुभव करो अपने शरीर विच जिंदगी दी शक्ति नूं महसूस करो ये सिमरन दा अनुभव आ गया कि साहां दी शक्ति गुरसिख करदे ने कि सांस ग्रास ध्यावै मेरा हर हर वह वाली थ्योरी है कि सांस ग्रास होना उहदे नाल जदों आपां साहां नूं देखदे हां तां उहदे नाल सानूं ऑटोमैटिकली शक्ति महसूस हुंदी है जेकर असीं वर्तमान दे विच प्रेजेंट होकर उस साहां नूं देखदे हां ऐ वैसे तां साह असीं लैंदे हां उह वी पूरा नहीं लै रहे इसलिए सानू यही अपना चाहिए हर एक चीज़ को अपने नाल ते अपने तो बिना होने की आग्ञा दो कहिंदे भी बैलेंस करो लाइफ नू निर्लेप होना भी सीखो वह कहिंदे ने कि तुसी हर एक चीज़ से डिपेंडेंट हो जे हुण अपना दो दिन तीन दिन नैट ना चले आपां किवें ते हो जाएंगे जमी मुरझा जाना है तो वह कहिंदे ने भी तुसी इन्ना डिपेंडेंट हो गए पदार्थों ते तुसी जिंदगी जिउ नहीं पा रहे जो कि आर्टिफिशियल चीज़ा ने उन्हां दे विच रुझ के अपने जीवन नू असलीयत तो निखेड़ के नकली पुणे विच वड़ के अपने मन नू ते अपने तन नू होर दुखां विच पा लिया सो अपने आप नू
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਉਸਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।